नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं CHSL 2020 में जो आपके टीयर वन के रिजल्ट आए हैं, तो आपको टीयर टू में कितना स्कोर करना है कि आप फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ, यानी कि जॉब गारंटी हो जाए आपका, अगर आप टाइपिंग जानते हैं तो। क्योंकि कंडीशन अप्लाई है कि टीयर थर्ड भी होना है, और टीयर थर्ड का तो आपका कोई नंबर होता नहीं है, टीयर टू का ही नंबर होता है। लेकिन जो तीनों प्रोसेस है, टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, उसमें आपको फाइनल जो मेरिट लिस्ट का स्कोर है वो कितना जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे देखेंगे एक भाई का स्कोर भी शेयर किया गया है, और ये EWS से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कट ऑफ भी क्लियर कर लिया है। तो कितना कट ऑफ जो इन्होंने क्लियर किया है या जितने भी लोगों ने क्लियर किया है, देखिएगा अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इनका 116.5 से 135.6523 है। अगर हम सभी का ले लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, तो उस पर भी बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे। देखिएगा ये टीयर वन का सिलेक्शन है। इससे पहले वीडियो शुरू हो, अगर आपको CHSL का टीयर टू देना है, टीयर थ्री देना है, सभी चीज़ें यहाँ पे गाइड कर दी जाएगी, यानी कि आपको टेस्ट बुक का जो आप लेक्चर लेते हैं या आप पासेस खरीदते हैं, हालाँकि यहाँ पर अगर आप पास खरीदते हैं तो टीयर टू का भी आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको ऐसे राइटिंग वगैरह लिखना रहता है, लेकिन अगर और भी MTS वगैरह है, CHSL है, भविष्य में आप CHSL देंगे या आप CGL देंगे या जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कंपिटेटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसका आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। लाइफ टाइम तक 699 में आपको टेस्ट बुक दे रहा है, लेकिन अगर आप एक कूपन कोड ERMANEESH यूज करते हैं तो इसमें आपको 209 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये वाला चीज़ है, आपको अगर अमेजन पे के थ्रू पे करना है तो यहाँ पे आपको अप टू 100 रुपये का भी कैशबैक मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। ये आपके ऑफर के तहत आपको 209 रुपये का ऑफ कर दिया गया है, ERMANEESH कूपन कोड यूज कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ है। अगर हम बात करें हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन की, तो 30 से 32 के अराउंड नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट हुआ है। लोएस्ट की बात करें तो 6 से 7 नंबर, यानी कि जिनका ईजी शिफ्ट हो गया था, हालांकि ईजी शिफ्ट तो इस बार बहुत कम ही देखने को मिला है, तो उनका 6 से 7 नंबर हुआ है। और एवरेज की बात करें तो 12 से, यानी कि जनरली जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो 12 से 16 नंबर के बीच नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि देखिएगा कि ये तो टीयर वन का रिजल्ट का कट ऑफ है। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये आपके, देखिए इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो 4700 समथिंग है, तो इस बार वैकेंसी थोड़ा सा कम है तो कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछली बार के अपेक्षा कट ऑफ थोड़ा कम गया है, तो इसका वजह सिर्फ और सिर्फ है कि पेपर का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है, पिछली मतलब कि जो पेपर था उससे थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन अगर हम बात करें कि कितना नंबर अगर आप टीयर टू मिलाते हैं, टीयर टू जो कि आपके 100 नंबर के ऐसे राइटिंग वगैरह हैं, तो जनरली जितने भी ट्रेंड देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर के, जितने भी ट्रेंड 2018 वाला एब्रप्टली चेंज हो गया था, तो उसको छोड़ के अगर हम जितना भी ट्रेंड देखें तो अबाउट 75 UR में और 70 के अराउंड आपके ये OBC के अराउंड अगर आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिनका सिलेक्शन टीयर वन में हो चुका है, ठीक है, कट ऑफ उन्होंने क्रॉस कर लिया है, टीयर टू का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप अगर UR में है तो आप 72 से 75 नंबर अराउंड लाते हैं तो आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, यानी कि अगर आप टाइपिंग भी क्लियर कर लेते हैं तो। देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आपका 65 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, किसके लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे, टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो अगर आपने यहाँ पे देखिए 202 या 203 नंबर लाया है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करेंगे टाइपिंग के लिए। लेकिन टाइपिंग में आप क्वालिफाई करने के बावजूद आपको क्या होगा कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं जॉब मिलेगी? क्योंकि आप बाउंड्री पे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपको 72 से 75 नंबर लाना है ताकि यहाँ पे आपका 210-12 के अराउंड रहे। अगर 210-12 अराउंड है आप UR में, तो टाइपिंग के बाद आपका जॉब सिक्योर है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। 210 नहीं लाना है, 202 या 203 नहीं लाना है UR वाले को, 212-15 के अराउंड लाना है।
तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा एसे राइटिंग में कम से कम तो आपको इसके अनुसार 72 से 75। लेकिन अगर आपने यूआर में हैं और अभी आपके स्कोर 165 या 170 ऑलरेडी हैं, तो ऑब्वियस है कि अगर आप टीयर टू में कम स्कोर भी करते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर आपने टीयर वन में कम स्कोर किया है तो टीयर टू में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, 75-80 करना पड़ेगा बाउंड्री पे है तो। लेकिन अगर आप बाउंड्री से काफ़ी मतलब कि बाहर हैं, सॉरी अंदर है, यानी कि अगर यहाँ पे आप यू आर में हैं और 100 100 आप सपोज 170 नंबर ऑलरेडी ला रखे हैं आपके पॉकेट में है, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 50 नंबर या 30 नंबर, 30 नंबर तो नहीं, 45 के अराउंड या 50 नंबर के अराउंड लाएंगे तो आप सेफ जोन में हैं। कहने का मतलब फाइनल जो कट ऑफ होगा यू आर का 215 या 212, ठीक है, 212 इतना से एवा भी होगा ये फाइनल कट ऑफ। उसी तरीके से अगर हम ओबीसी में जोड़ लें तो ओबीसी में 207 या 9 के अराउंड होगा। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे आपके 200 के अराउंड दिखने को मिल सकते हैं और आपके एससी में भी 200 के अराउंड, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस और एससी का लगभग एक ही जैसा स्कोर है और एसटी का आपको 195 या 190 के अराउंड रहेगा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये देखना कि अभी आपका स्कोर टीयर वन में कितना है और कितना आपको ऐड करना है टीयर टू से। तो टीयर टू में आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो, टीयर टू भी हो और टाइपिंग आपका मजबूत तो होगा ही, क्योंकि आप CHSL का फॉर्म अप्लाई किया तो टाइपिंग तो मजबूत होगा। देखिए क्या होता है ना कि टाइपिंग में बहुत लोग छटते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइपिंग में बहुत लोग तो पहले टाइपिंग ही नहीं देने जाते हैं क्योंकि उनके पास मेरिट होता है, उनको लगता है कि हम मेरिट से ही निकाल लेंगे, CGL निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, और इसकी वजह से टाइपिंग नहीं हो पाती। और टाइपिंग में क्या होता है ना कि ये हड़बड़ हो जाता है, हड़बड़ हो जाता है। मैं भी जब पहली बार टाइपिंग देने गया था मेरा स्पीड 45 था और जब मैं वहाँ पर गया तो कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उंगली थरथरा रही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, आपके पास से 6% जो आपके की डिप्रेशन है वो नीचे करवा देती है। हालांकि आप अगर आप 2-3 बार ऑलरेडी दे चुके होंगे तो उसके लिए बेटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि पहली बार अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हो तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे जो कंडीशन है, एटमोसफेयर है, वो आपको उस तरीके का नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा इसी वजह से आपके जो कट ऑफ है वो लो जाएंगे अगर हम बात करें टाइपिंग के रिस्पेक्ट में। क्योंकि टाइपिंग में इसीलिए तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तकरीबन 4700 आपके टोटल सीट है, लेकिन यहाँ पे बुलाया गया देखिएगा 45,000 को। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइपिंग में इतने लोग छटते हैं, तकरीबन मतलब कि आप समझ लो कि आधा लोग तो टाइपिंग देने ही नहीं जाते हैं, ये वजह होती है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको समझाया कि इतना नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके कितने स्कोर आ रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।